साउथ के स्टार धनुष की नई फिल्म कैप्टन मिलक का टीजर आउट हो गया है। टीजर 28 जुलाई को धनुष के 40वें जन्मदिन पर रिलीज हुआ है। वीडियो में धनुष अपने करियर के अब तक के सबसे डिफरेंट लुक में नजर आ रहे हैं। हाल ही में धनुष लंबे बाल और दाढ़ी में स्पॉट हुए थे। फैंस को तब समझ नहीं आया कि धनुष ने बाल क्यों बढ़ाए हैं, लेकिन टीजर के आने के बाद सबका कौतूहल शांत हो गया। फिल्म इसी साल 15 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। टीजर शुरू होते ही बंदूक की गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, जिनकी आवाज अंत तक आती रहती है। 1 मिनट 33 सेकंड का यह टीजर एक्शन से भरपूर है। यह एक हिस्टोरिक पीरियड ड्रामा है जो ब्रिटिश शासन के दौरान की कहानी है। शुरुआत में ही पता लग जाता है कि कैप्टन मिलर ब्रिटिश आर्मी की नज़र में एक अपराधी है जिस पर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया है। मिलर की अपनी एक टोली है जिसके साथ वह बागियों की तरह बीहड़ में रहता है। अब ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा कि मिलर के नाम के आगे कैप्टन क्यों लगा है और ब्रिटिश आर्मी ने उसे अपराधी क्यों घोषित कर रखा है। कैप्टन मिलर धनुष के करियर की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है। फिल्म का बजट करीब 90 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म को हिंदी और तेलुगु में एक साथ रिलीज किया जाएगा। इससे पहले धनुष बॉलीवुड में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं। उनकी आखिरी फिल्म आंदेल राय की अतरंगी रे थी। इससे पहले वे शमिताभ और रांझणा जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। एक्शन फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले अरुण मथेश्वरन ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। इससे पहले वो रॉकी और सानी कायधाम जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। फिलहाल फिल्म अपनी मेकिंग के आखिर में है, जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद साल के अंत में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए तैयार हो जाएगी। फिल्म में धनुष के अलावा सुदीप किशन, नासर, एलिंगो कुमारवेल, एडवर्ड सोनेनब्लिक, विजी चंद्रशेखर, निवेदिता सतीश, जॉन कोकिन, विनोद किशन, बाला सर्वनन, सुमेश मूर समेत कई कलाकार शामिल हैं।